भागीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, लेकिन बात यह है कि अगर मैं आ भी जाऊं तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा, क्योंकि ये संसार जलमग्न हो जाएगा, इसलिए सारे संसार में अकाल आ जाएगा, इसलिए मैं नहीं आ सकती हूं। तो भागीरथ महाराज बोले, गंगा मैया कोई उपाय हो? हाँ, एक उपाय है कि अगर भोले बाबा तुम्हारी बात को मान ले तो भोले बाबा के अंदर इतनी शक्ति है कि भोले बाबा मेरे वेग को सहन कर लेंगे। उसी समय आज भागीरथ महाराज ने कई वर्षों तक भोले बाबा की तपस्या की है। जब भोले बाबा की समाधि नहीं खुली तो भागीरथ महाराज जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे और मैया पार्वती से कहा, हे मैया, किसी भी तरीके से भोले बाबा की समाधि को खुलवाओ, अगर भोले बाबा की समाधि नहीं खुली तो हमारे बुजुर्ग उनकी अस्थियों को मुझे जल प्रवाह करना है, उनके कल्याण है, तो हम गंगा मैया को शुभूतल पर लेकर के आ रहे हैं। तो आज मैया पार्वती ने भगवान भोले बाबा के तलवों को सहराना शुरू किया है, और जब सहराना शुरू किया और कहा, भोले बाबा आँखियाँ खोलो, क्योंकि देवता लोग तुम्हारे दर्शन को कैलाश पर्वत पर आए हैं। धीरे धीरे तलवों को सराहा, आज भोले बाबा के नेत्र खुल गए। भागीरथ महाराज भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़े, बोले, प्रभु कुछ भी करो, आप गंगा मैया के वेग को सहन कर लो। तो भागीरथ महाराज की प्रार्थना स्वीकार की भगवान भोले बाबा ने और कहा कि जाओ, आप गंगा को स्वर्ग से लेकर के आओ, मैं गंगा के वेग को सहन कर लूंगा। तो कहते भोले बाबा ने अपने जटाओं की एक लटको खोला है और लटको खोलने के बाद में जब गंगा मैया आकर के भोले बाबा की जटाओं में समाहित हो गई, लेकिन कहा भी गया है महाराज, जब भागीरथ महाराज ने तपस्या की गंगा मैया की तो भागीरथ महाराज जी के द्वारा आज गंगा मैया शुभूतल पर जवाई है कि भागीरथ ने करी तपस्या खुशी भये त्रिलोक, स्वर्ग से गंगा उतर के आई शंकर जी ने रोक, मुसीबत कर रही पर गई किन्नर पे नारी चढ़ गई, मुसीबत कर रही पर गई किन्नर पे नारी चढ़ गई।
दशा खुशी भरे तिरलो भागीरथ ने करी तपस्या खुशी भये तिरलो स्वर्ग से गंगा उतर के आई